स्वागत है आपका आज के हमारे व्लॉग में। और आज है 14 तारीख और सुबह के बच्चों के अपन 8 और हम जा रहे हैं आज सुबह सुबह गुरुद्वारे मत्था टेकने, क्योंकि आज है संक्रांत। तो मासी तैयार हो रही है, शायद मासी के साथ जाएंगे। जल्दी है मासी लेके, और हमने कित्तू को भी ले लिया, सिम्मू को भी ले लिया साथ में मत्था टेकने के लिए। हाँ जी बच्चे बोलो। और आज तो कित्तू की चोटी गून दी हमने। क्या आ चुके हम गुरुद्वारे में, और निशान साहब का चोला पहनाया जा रहा है, इसलिए आ चुके हैं हम अंदर। मासी मत्था टेक रही है, मैंने सिमू को यहाँ खड़ा कर दिया है और फिर मैं भी मत्था टेकूंगी। कित्तू मांग रही है पैसे, तो ये लो बेटा मत्था टेक लो, कित्तू टेक लो। तो चलो अब हम भी मत्था टेक लेते हैं। सिमू मत्था टेकना बेटा, सिमू को देख लो। और अब बच्चों को तो बहुत मजा आ रहा है मत्था टेकने आए हम यहाँ पे, और ये आसन बाबा जी का। और निशान साहब को वस्त्र वो कराए जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे से दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। आज के व्लॉग की शुरुआत हमने पहले ही सोच ली थी कि आज हम गुरुद्वारे से करेंगे, क्योंकि कल सुबह ही कल रात को ये बता दिया था कि भाई आज संक्रांत मासी कह रही थी, तो आज वो करेंगे मत्था टेकने आएंगे गुरुद्वारे। तो फिर मैंने पहले ही सोच रखा था, जबकि फ़ोन पे फ़ोन आया था वो कटवा कर फिर मैं फ़ोन लेकर आई हुई हूँ। और इससे अच्छी शुरुआत शायद व्लॉग की हो नहीं सकती है कि बाबा जी के द्वार में आके व्लॉग बनाए। और सिमू कहने के बाद भी बैठ नहीं रही है बिल्कुल भी। सिमा आज बेटा चिज्जी सिमू निशान साहब खड़े कर दिए दोबारा से। कीरत को देखिए कैसे आ रही है धूप के कारण धूप है ना कितू, आज आज मेरे गोलू फोन देख रही थी आराम से, इसलिए मैं फोन छीन लिया तो अब इधर भाग गई, देख रहा साथ में ही। क्या देख रहा था किता? पोयम देख रहा था ये। और मासी ने तो सब्जी सब्जी काट ली है, देखो प्याज और मिर्च। जस्सी जस्सी वर्किंग, मैं जस्सी तो काम धाम कर रही है, नहाई धोई कर रही है। जस्सी ने रगड़ा पट्टी चल रही है इधर तो लोशन पोशनों की। सिमू को देखिए फिर आज फिर फीवर हो गया हमारे सिमू चैल के, है सिमू दवाई देके खूब देर सो चुकी है ये, और अब उठ गई और फिर परेशान कर रही है, सिर बिल्कुल गर्म हो रहा है इसका। देखूंगी अब दवाई दिलवा के लाऊंगी। और कीरत को और बीजू को भेजा हमने बाहर गुरुद्वारे में, उन्होंने कहा था प्रसाद बट रहा है प्रसाद लेने के लिए, दोनों को भेज दिया हमने। तो देखते हैं अभी क्या लेकर आएंगे लेकर क्योंकि हमने यहाँ से नहीं भेज दिया था, फिर आगे हम देखते रहे कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो गुरुद्वारे में चले गए थे। अब धीरे धीरे दोनों आ जाएंगे एक साथ, तो देखते हैं अभी क्या लेकर आएंगे या खा पी क्या खेले ही आ जाएंगे। मैंने तो सिलाई सीख ली, अब इसकी कमी रह गई। आराम से चला रही है बैठी बैठी, बेटा उंगली आ जाएगी इधर आ जा और धागा फंस जाएगा। चल इधर कितना आ जाओ बेटा, आज फिर आ चुके हम खेत में।
बच्चे आज मैं सिमू को भी ले आई हूँ साथ में, कितू कल, क्योंकि कल तो हम सिर्फ कितू कितू को लाए थे, आज हम सिमू को भी ले आए हैं, मैं वो घुमा लाते हैं। और मैं और जैसे अभी एक बात कर रहे थे कि हम दिल्ली जा रहे हैं मतलब कुछ दिनों बाद, मैं कहा कितू तो बहुत मन नहीं लगेगा कितू का बहुत दिन, तो क्यों यहाँ बीजू के साथ बहुत हैबिचुअल हो गई है बाहर निकलना बोलना खेलना बीजू के साथ, तो वहाँ तो कोई खेलने वाला इसके साथ है नहीं ना, ये और सिमू बस, और घर भी छोटा सा, यहाँ तो पूरा बड़ा घर है, तो बड़ी दिक्कत आने वाली है मुझे लगता है, तो मुझे क्यों मन नहीं लगेगा कित्तू को, कित्तू का वहाँ जाके। वैसे तो मेरे को एडमिशन भी करवाना है कित्तू का स्कूल में, तो हो सकता है कि थोड़ी सी बिजी हो जाए तो मन लग भी जाए, लेट्स सी क्या होता है, वो तो वहीं जाने के बाद पता चलेगा, तो देखते हैं, वेट एंड वॉच, आप भी बने रहिएगा, देखते रहिएगा कि क्या होता है दिल्ली जाकर। आजकल तो खेतों में जहाँ तहाँ देखो वहाँ कर पैन लगी हुई है, एक वहाँ लगी हुई है और एक वहाँ लगी हुई है, वो देखो रही वहाँ पे, वो वहाँ पे है। अब तो मोस्ट टाइम आ गया गेहूँ कटने का, तो करपैन चल रही है, मैं सोची थी आसपास लगी होती तो थोड़ा सा शूट कर लाते, लेकिन आसपास नहीं है, थोड़ी दूरी पे है, क्योंकि अपने जो खेतों में थी गेहूँ वो तो कट चुकी है, तो यहीं हो सकता था वीडियो बना पाते, लेकिन यहाँ काट, ये साइड में रहता है एक किला, फिर ये पता नहीं कब कटेंगे, और अगर दोपहर में कट गए या रात में कट गए फिर थोड़े ना आ सकते हैं, स्पेशली तो आया नहीं जाता, बस ये सोचते हैं कि आए हुए अगर बन जाए तो बढ़िया है। और सोनू भी आ गया देखो पीछा करते करते हमारा, हाँ सोनू भी आ गया खेत पे, कल भी आ गया था आज फिर आ गया ये, तो चलो जाने का साथ बन जाएगा अपना इसके साथ। और बीजू सिमू को रुलाने लगा हुआ है, बीजू क्यों रुला रहा है सिमू को, हाँ बच्चे सिमू कितू इतनी खुश हो रखे, पूछो मत। और आप दोबारा आ चुके कल वाली जगह पे बरसीन काटने के लिए, जस्सी लगाएगी अब इसके अंदर झाड़ू, क्योंकि इसमें गोबर लेकर आए थे इसलिए। राजू कह रही है इसको जफ्फी पा, लेकिन जफ्फी पा नहीं रही है, बदमाश लड़की पूरी। आए ये देखो ये चल रही है करपैन, और यहाँ पे साथ में वहाँ पे ट्रैक्टर, जब पूरी टंकी भर जाएगी करपैन की गेहूं की तब वो उसमें रिता देंगे जाके, दो वो है ट्रैक्टर, तीन ट्रैक्टर खड़े हैं एक साथ लाइन में, देखो रेड फिर ब्लू और फिर उसके आगे उसके पीछे फिर ब्लू, तो आ गई है करपैन, ये देखो गिर गई थी देखना, राजू को देखो दांती तिखी कर रही है, मैंने कहा देख कहीं मेरी एवं नहीं उंगली कटवा दी ज्यादा तिखी करके। और राजू का आ गया फोन, और फाइनली जुट जाए आप अपने काम पे, जिस काम के लिए आप आए हैं यहाँ पर, वो है अपनी बरसीन काटना, तो जितनी कटेगी काटेंगे, नहीं कटेगी छोड़ देंगे, हैं तो कोशिश करेंगे। काट लिया राजू ने घास, और अब जस्सी और राजू दोनों करने लगे हुए हैं पैक, यानी कि बांधने लगे हुए हैं, और फिर रेडी में डालाएगी राजू। और आज तो दिन छिप गया, बहुत लेट हो गए, 7:15 हो गए हैं यहीं पे ही, और हम सोचे थे एक आधी रील बना लेंगे राजू के साथ, लेकिन मुझे लगता है आज टाइम नहीं है। और बच्चों को देखो वहाँ बैठ गए जाके, और सिमू आज मेरे साथ तो कह रही मैं भी बैठूंगी वहीं जाके, रुक जाओ सिमू थोड़ी देर वहाँ बिठा देंगे फिर जाके। और अब तो ये देखो ये लग गई इतनी पास में करपैन यहाँ पे काटने, हम ये कह रहे थे कि यही किला बचा हुआ है, और इतनी जल्दी आ भी गई यहाँ पे करपैन काटने के लिए गेहूँ। जोर की सवारी तो जा रही है, और सिमू चीख रही है कि मुझे भी लेके जाओ, और देख जस्सी वो रो पड़ी कह रही मैं भी जाऊंगी। हम भी चल दिए घर की साइड, आज हम रील बनाने की सोच रहे थे लेकिन टाइम हो गया बहुत ज्यादा, 7 बज चुके हैं, तो बस इसलिए अब सोच रहे घर ही जाएंगे, किसी और दिन आ जाएंगे है ना, कल आ जाएंगे, नहीं तो फिर कल नहीं आने मिले तो परसों आ जाएंगे, तो फिर देखेंगे फिर बनाएंगे रील। करपैन लग गई इस वाले किले में, 5 मिनट लगेगी काटने में इसको यहाँ पर, तो और धूल ही धूल उठी हुई, ये देखो आप दिख रही होगी इसमें भी